स्वागत है हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में। आइए आज हम आप लोगों को एकदम सटीक तरीके से व्यंजन संधि को बताते हैं। जैसे ही आप परीक्षा में प्रश्न देखेंगे तुरंत पहचान लेंगे कि यह व्यंजन संधि है या स्वर संधि या विसर्ग संधि। स्वर संधियों का हमने पूरा बताया है, व्यंजन संधि को देखेंगे कि कैसे आप पहचानेंगे संधि। तो संधि में यह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि को आप पांच भागों में पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से देखेंगे। वैसे यह हिंदी में इसकी जरूरत तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जानकारी रखना चाहिए। इच्छुत संधि नंबर एक है, यानी इसे क्रम नंबर एक जानेंगे, चाहे इच्छुत संधि के नाम से जानेंगे। नहीं जानते, याद नहीं होता तो कोई बात नहीं है, नंबर एक, नियम नंबर एक जानेंगे। यह आपको ऐसे अगर दिखाई दे च दो ज, यानी दो च दो ज और दो बड़ा स, यह ट्रिक है। इसमें आपको संधि विच्छेद करते समय आधा त और आधा च, आधा आधा त और पूरा ज, और यह हमेशा छोटा सा और बड़ा सा, यानी अगर दो ऐसा कभी दिखाई दे, जैसे उदाहरण के तौर पर एक एक उदाहरण दे रहे हैं, इसके आधार पर आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको दिखाई देगा उच्चारण, ऐसा अगर दिखाई दे, जैसे दिखाई दे सज्जन, और जैसे दिखाई दे रामस सेते, यह नंबर एक नियम है। यानी ये क्या है त, ये क्या है त, ये क्या है छोटा सा, बाकी आगे आप क्या करेंगे धन, इसको जन कर लेंगे, इसे धन चारण कर लेंगे, इसे धन सेते कर लेंगे। अब इसके आगे जोड़ लिए राम, इसके आगे जोड़ लिए स, इसके आगे जोड़ लिए उत, यह नियम नंबर एक है। दूसरा नियम ध्यान देंगे और बहुत आसानी से, मैं बहुत फास्ट एकदम बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि समय तैयारी के लिए बहुत कम है, इसलिए मैं एकदम ट्रिक के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा नियम इसमें जानेंगे, इष्टुत्व संधि है और इसमें ठीक वो च वर्ग का अक्षर था, यहां अब ट वर्ग का अक्षर, यानी ऐसे दो ट दो ड और दो आधा षट, एक आधा षटकोण, यानी एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, इसे भी आप त ही जानेंगे। और इधर ट है, यानी ये त है, ये ट है, ये आधा त है, ये पूरा ड है, ये स है और ये षटकोण स है। इसे कैसे देखेंगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा तट्टिका, ये ऐसे दिखाई देगा उड्डयन, यानी दो दो दिखना चाहिए, दो दिख रहा है, और यहाँ दिखाई देगा रामस स्वस्थ, यानी आपको दो ऐसे दिखाई देगा। बस तुरंत आप इसे त बनाइए, इसको त बनाइए, बाकी का विच्छेद कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, यह प्रैक्टिस जरूरी है। अगला तीसरा, तीसरा आपको दिखाई देगा जसत्व संधि। इसका सबसे, यानी सभी का एकदम विशेष टिक दे रहे हैं, इसमें सभी वर्गों का तीसरा अक्षर दिखे, जैसे ज ब ग ड द, ये सभी वर्गों का तीसरा अक्षर है। ध्यान रखेंगे अगर ये दिखता है तो इसे वर्ग का पहला बना करके इसमें जो मात्रा आए, अगर ज पे कोई मात्रा आ रहा है तो वह मात्रा इधर, अगर आधा आ रहा है तो कोई मात्रा नहीं, व्यंजन आ जाएगा। और इसमें ये प है, यानी च वर्ग का है च, ये प वर्ग का है प, इधर आ लगा लीजिए, ये किस वर्ग का है कवर का है इधर आ, ये टावर का है इधर आ, और आगे इसको बढ़ा देते हैं ये द, ये तवर का है त और आ, ऐसे। यानी अब जैसे दिखाई दे, माने इसे कैसे जानेंगे, जैसे अगर आपको दिखता है पंजाब, आपको पता चल गया कि ये ज है, यानी इसका मतलब ये च वर्ग का है, बना लिए पंच धन आब।
आ की मात्रा है, जैसे दिखाई दे सुबंत ऐसे, ये बा है इसे क्या करेंगे प बना लेंगे और ये हो जाएगा सुप धन, यहाँ पूरा है यहाँ हो गया अंत। जैसे ग है आपको दिखाई दे वागीस, ये ग है इसका मतलब इसको क बना लेंगे और यहाँ हो जाएगा वाक, और ई की मात्रा है, ई की मात्रा यहाँ रख लीजिए। फिर जैसे दिख रहा सडानन, सडानन यानी ये तीसरा अक्षर दिख रहा है इसको हम ट बना लेंगे तो हो गया सट धन आ की मात्रा है आनन। और जैसे द है तो दिखाई दे जगदीश, यहाँ दो तीसरा है ग भी है द भी है, लेकिन ग से अलग करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन अगर दस रखेंगे तो मतलब रखेगा। क्या है इसे त बना लेते हैं तो हो जाएगा जगत, यह तवर का है, इस पर ई की मात्रा है, ई लगा लीजिए ये हो गया। ऐसे ही आपको अन्य और भी उदाहरण देना है। समझ गए होंगे ये तीसरा जसत्व संधि है, ये नाम नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखेंगे कि वर्ग का तीसरा अक्षर पहले में बदलता है अगर कोई मात्रा होता तो मात्रा, जैसे यहाँ मात्रा था और यहाँ मात्रा है आ की मात्रा है, यहाँ ई की मात्रा है, यहाँ ई की मात्रा है, तो पहला अक्षर लाकर बैठा दीजिए एकदम सटीक और इसके आधार पर आप बहुत सारा प्रैक्टिस करिए एकदम क्लियर हो जाएगा। यह तीसरा व्यंजन संधि का तीसरा नियम है और मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं सिर्फ ट्रिक दे करके आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करिए बढ़िया तैयार हो जाएगा। अगला चौथा नियम है ये लत्व संधि। लत्व संधि में बस एक दिखाई देगा ऐसे, एक ही लत्व संधि का एक ही नियम है बस, अगर ये दिखाई दे दो ल एक साथ दिखाई दे तो इसे त बना करके इसे ल बना लीजिए। जैसे आपको कैसे दिखाई देगा तल्लीन, क्या है इसमें त बना लिए ऐसे और इसके साथ लीन है ऐसे, उसी तरह से उल्लास उल्लेख है ना उल्लिखित, ये इसी यानी दो ल एक साथ दिखता है और परीक्षा में यह योजना ही होता है पूछने का, तब वैसा ही शब्द देगा। तो आप इसे चौथा नियम जानेंगे, बस एक ही चौथा नियम में बस एक ही है। और पांचवा नियम यानी पांचवी संधि और पांचवा नियम जिसको नाम जानते हैं अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि इसे कैसे जानेंगे तो ध्यान रखेंगे इसमें आपको ऐसे दिखाई देगा बस, अगर किसी तो अगर ये दिखता है तो इसका मतलब समझे माँ और इधर कोई भी व्यंजन है, ऐसे ध्यान रखेंगे कोई भी व्यंजन आ सकता है। जैसे आपको कैसे दिखेगा संकल्प, अब यहाँ आपको अनुस्वार दिख रहा है इसको म बना लीजिए तो हो गया सम धन कल्प, और जैसे दिख गया संयोग, जैसे दिख जाए संतोष, यानी आपको अनुस्वार दिखे म बनाइए, सम हो गया इधर हो गया तोष और इधर है तो इसे म बनाइए हो गया सम धन योग, यानी यह अनुस्वार संधि का एक नियम। इसमें छोटा सा एक और नियम है उसे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि अक्सर वो पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें अगर कभी भी व्यंजन कोई भी वर्ग का पहला अक्षर इसके बाद पांचवा, कोई भी पांचवा, अब ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ग का पहला वर्ण प्लस कोई पांचवा, कोई पांचवा ऐसे याद रखेंगे। क्या क्या दिख रहा है पहला, जैसे क च ट त प, और इधर अगर पांचवा दिखता अंग ञ ड न म, कोई भी किसी के साथ आ सकता है ये, अगर आता है तो आप इसे अगर इसके साथ होता है तो ये अंग में बदल जाएगा, यानी ऐसे ध्यान रखेंगे कैसे दिखाई देगा। जैसे अगर दिखाई देता वांगमय, अगर ये दो पांचवा एक साथ दिखे ये आधा रहेगा, हमेशा आधा रहेगा, दो पांचवा एक साथ दिखे तो इसे आप क्या कर लेंगे क बना लेंगे,
और क्योंकि अंगा किसका है, कवर का है, और इधर म कर लीजिए और यह मैं। उसी तरह से आप किसी को भी जैसे आप बना लेंगे उन्नति, उन्माद, दो पांचवा दिख रहा, दो पांचवा पहला जो इसका दिख रहा है किसका है, तो त का है, तो हो गया उत, धन, इधर क्या हो जाएगा माद, इधर क्या है उत, धन, नति। उसी तरह से दिखाई दे सन्मार्ग, तो ये आप तुरंत समझ जाए, यानी दो पांचवा एक साथ दिखे तो पहला आधा क्या है, पहला आधा जो रहेगा अपने वर्ग का पहला, यानी ये त है ना है, तो त हो जाएगा सत, धन, मार्ग। इसी तरह से आप लोग दिखता है, अक्सर पूछा जाता है जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे अनुस्वार संधि है, व्यंजन संधि, यानी हिंदी में सिर्फ व्यंजन संधि, और संस्कृत में पूछा जाता है तो अनुस्वार संधि, इसे आप क्या बनाएंगे त बना लेंगे, हो जाएगा जगत, धन, नाथ। यानी ये हमने बहुत जल्दी में आपको बहुत कम समय में पूरी व्यंजन संधि को कंप्लीट किया है। अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमारी सारी वीडियो पाना है तो आप बेल आइकन जरूर दबाइए। हिंदी प्रभात टेलीग्राम चैनल है, प्रतिदिन आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर के हिंदी प्रभात सर्च कर लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको प्रतिदिन नए नए क्वेश्चन आपको बना करके मिलते रहेंगे। और यदि हमारे फेसबुक पेज पर भी जाना चाहते हैं तो हिंदी प्रभात नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। बस आज इतना, अगले दिन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।